हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्या पांडे माया क्रिएटिव गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज इस वीडियो में मैं अपने कुछ प्लांट शेयर आपसे कर रही हूँ फ्रेंड, जो कि मैंने बॉटल में ग्रो किए हैं। और अक्सर ही मैं जो है आपसे शेयर करती हूँ जो वेस्ट मटेरियल होता है कि जिनमें हम प्लांट्स किस प्रकार बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो आज भी मैं कुछ इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप मेरी अगली वीडियो को देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये जो बॉटल हैं, ये देखिए, ये जो बॉटल्स हैं, ये कोई 1 लीटर की बॉटल है, कोई 2 लीटर की बॉटल है, उनमें ये बहुत अच्छे से सभी प्लांट चल रहे हैं। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये मैंने कौन कौन से प्लांट देखे इन बॉटलों में लगाए हुए हैं और जो कि बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो आप भी इन छोटी छोटी बोतलों में जो है गार्डनिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं और गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप इन बोतलों से जो है गार्डनिंग की शुरुआत करिए। और ये फ्री के हैं, जो हमारे रसोई घर में आए दिन ही हमें मिलते रहते हैं, जिन्हें हमें कहीं भी खरीदने लेने नहीं जाना पड़ता है। ये सभी चीज़ें हमारे घर में ही मिल जाती हैं। जैसे ये बॉटल है, ये 2 लीटर की बॉटल है फ्रेंड्स। और अब आ रही हैं गर्मियाँ, तो गर्मियों में देखिए हमारे घर में जो है रोज़ाना ही ठंडा वगैरह आएगा, जैसे कोला है या पेप्सी है, माजा है, तो इन बॉटलों का आप उपयोग कीजिए। इनमें प्लांट्स ग्रो करिए फ्रेंड्स, और गार्डन में हरियाली बनाइए। चाहे आप बालकनी गार्डनिंग कर रहे हैं, चाहे आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, तो इनमें प्लांट्स ग्रो करिए और चारों तरफ हरियाली बनाइए और अपने गार्डन को भी सुंदर बनाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक लिम्का की बॉटल है जिसे कट करके इसमें मैंने ये डेविल बैकबोन का प्लांट लगाया है। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसकी जो है छोटी से छोटी कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत अधिक हार्डी प्लांट है। ये कटिंग से ही तैयार किया गया प्लांट है। तो मेरे पास ये देखिए एक दो हैं मेरे पास, एक ये डिफरेंट टाइप का है, तो ये भी देखिए कटिंग ही लगाई हुई है मैंने, इसी बॉटल में लगाई थी, क्योंकि ये कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो कर गई है और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर गई है। और ये देखिए छोटी सी बॉटल है। बस कुछ विशेष ध्यान यही देना होता है फ्रेंड्स कि जब आप इस तरीके की बॉटल गार्डनिंग करते हैं, बॉटल में प्लांट लगाते हैं, तो सबसे पहला ध्यान आपको ये रखना है कि आप इसके लिए एक वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए। और दूसरा, आप जो है ड्रेनेज का विशेष ध्यान रखिए। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, काफ़ी अच्छे से होल इनके होने चाहिए, पानी का जो ठहराव है वो नहीं रहना चाहिए उसमें, और जो पानी है वो बॉटल के से जो होल आप बनाएं उनमें से बहुत अच्छे तरीके से पानी जो है निकल जाए। तो और दूसरी बात है फ्रेंड्स, तीसरी बात है कि आप इनके पानी का विशेष ध्यान रखिए कि पानी आप इसे चेक करके दीजिए, मिट्टी गीली है या मिट्टी नम है। कभी कभी क्या होता है कि ओवर वाटरिंग से भी हमारे प्लांट्स मर जाते हैं। और छाया में रखिए, जैसे कि अब गर्मियां आ रही हैं, तो गर्मियों में तो सभी प्लांट्स फ्रेंड्स छाया मांगते हैं। बहुत अधिक प्लांट जो होते हैं वो धूप में सर्वाइव नहीं कर पाते, तो प्लांट्स को आप देख के कि इनको छाया वाली जगह पर रखना है या इनको धूप में रखना है, उसी प्रकार आप रखिए। और देखिए ये प्लांट आपके बहुत अच्छे से चलेंगे फ्रेंड्स। ये सभी प्लांट बहुत ही हार्डी हैं। और फर्टिलाइज़र वगैरह, जैसे फ्रेंड्स आप लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करिए, सब्जियों के छिलके हों चाहे केले के छिलके हों, उनका फर्टिलाइज़र आप 20 से 25 दिन के अंतराल में देते रहिए, और देखिए आपके सभी प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये देखिए, ये डेविल बैकबोन का प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये माजा की बॉटल है, ये फ्रेंड्स मुझे गिफ्ट में मिला था ये प्लांट। और देखिए गिफ्ट में मिले हुए प्लांट भी बहुत अच्छे से इन छोटी छोटी बॉटलों में चल रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये प्लांट जो है ग्रो कर रहा है, एक बॉटल में लगाया हुआ प्लांट है फ्रेंड्स, ये देखिए। और दूसरा ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी बॉटल में लगाया हुआ प्लांट है, ये 2 लीटर की बॉटल है, और इसमें देखिए मैंने कनेर की कटिंग लगाई हुई है। और आप देखिए प्लांट कितना हेल्दी हो गया है इसमें, ये देखिए कितना हेल्दी है ये प्लांट। और ये कटिंग का लगाया हुआ ही प्लांट है, कनेर का प्लांट है, गर्मियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है ये। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी छोटी छोटी 1 लीटर की जो पानी वाली बॉटल होती हैं उनमें मैंने देखिए ये पर्पल हार्ट का प्लांट लगाया हुआ है।
पर्पल हार्ट का प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स, कटिंग से बहुत ही आसानी से ये पौधा भी लग जाता है। और ये देखिए, ये भी बहुत छोटी सी बॉटल में मैंने लगाया हुआ है, ये आप देखिए बहुत छोटी सी बॉटल है और इसमें ये पर्पल हार्ट की कटिंग और ये सदाबहार का फूल लग गया है। और इसमें ये फूल कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये दोनों पौधे इस छोटी सी बॉटल में लगे हुए, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप भी जो है बॉटल का उपयोग करिए, इनमें प्लांट्स लगाइए, ग्रीनरी ऐड करिए। ये देखिए, ये भी मुझे गिफ्ट में मिला हुआ प्लांट्स है सॉन्ग ऑफ इंडिया का, और ये भी एक छोटी सी बॉटल में लगा हुआ प्लांट है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो इस प्रकार ये छोटी छोटी बॉटल्स में ये जो प्लांट है ये बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं। ये देखिए, छोटी सी बॉटल में लगा हुआ जेट प्लांट है। जेट प्लांट तो मैंने फ्रेंड्स बहुत अधिक ग्रो किया हुआ है और बहुत सारी बॉटल्स में ग्रो किया हुआ है, क्योंकि ये प्लांट कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है, तो मैं जो है इनकी कटिंग लगाती रहती हूँ बॉटल्स वगैरह में। और ये देखिए, ये हैंगिंग प्लांटर की तरह मैंने इसे बनाया हुआ है, और ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इस प्लांट की। ये देखिए, ये देखिए आप, ये जेट प्लांट है, ये देखिए। और एक यहाँ पर भी मैंने ये देखिए ये कटिंग लगाई हुई है, ये देखिए, ये भी बॉटल में ही लगाया हुआ है और ये भी बॉटल में लगा हुआ है। तो ये है फ्रेंड्स आज की एक मेरी छोटी सी वीडियो, कि इस प्रकार आप छोटी छोटी बॉटल्स में भी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन में है ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं, चाहे टेरेस हो चाहे बालकनी गार्डनिंग हो। तो बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।